भी अलग से व्यवस्था की जाए, उनको भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इस पूरी विषय को लेकर हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से बात की, साथ ही साथ हमने उपराज्यपाल महोदय जी से यह भी निवेदन किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अभी ओपन करने में दिक्कत आ रही है, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चे अभी सीधा वहाँ स्कूलों में जाएं। इसलिए अभी स्कूल्स को खोलना ठीक नहीं रहेगा। इसके साथ साथ और भी अनेक प्रकार के जो विषय थे वो हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से डिस्कस किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारे विषयों पर माननीय उपराज्यपाल महोदय अच्छे से उस पर अमल करेंगे और एक्शन लेंगे। डेली वेजरों का बहुत बड़ा मसला है, क्या कहेंगे? हमने डेली वेजर्स का विषय भी माननीय उपराज्यपाल महोदय जी के समकक्ष रखा है। होम गार्ड्स का, NYC, रायब्रे खेल, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, होम गार्ड्स, इन सब के विषय हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से डिस्कस किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है इन सभी विषयों पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय। लेकिन अभी हमारी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू रीजन के जितने बड़े बड़े हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन किया जाए, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से वहाँ बहाल की जाए, ऑक्सीजन प्लांट्स जो 500 करोड़ के आसपास जिसकी कीमत है, जो अभी इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है मेडिकल कॉलेज का, उसको तुरंत कंप्लीट किया जाए और कोविड पेशेंट्स का अच्छा इलाज किया जाए। जो शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है मेडिकल कॉलेज जम्मू में वो पूरी की जाए, पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट की जाए। वॉर फुटेजेस के ऊपर रजौरी मेडिकल कॉलेज और कठुआ मेडिकल कॉलेज को भी पूरे तरीके से कोविड हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया जाए। सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी 24 घंटे सुनिश्चित की जाए, रोस्टर्स बनाया जाए वहाँ डॉक्टर्स का, क्योंकि रात को किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। और बड़े बड़े डॉक्टर्स को अकाउंटेबल किया जाए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए कि वो पेशेंट्स को चेकअप करें, वरना बहुत क्यास मच रहा है जिसके चलते यहाँ समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, कोविड महामारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता से निवेदन करूँगा कि कोविड महामारी का बहुत भयंकर दौर शुरू हुआ है, मास्क पहने, सुरक्षा के सारे पैमानों को अपनाएं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, दूरी बना के रखें, पूरा हाइजीनिक रखें, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिए में ना जाएं, सारे नियमों का पालन करें, क्योंकि इस कोरोना को हमने हराना है।